हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना है। और किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपका एक ऑफिशियल नोटिस था यूनिवर्सिटी की ओर से, 8 से लेके 14 जून तक आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर बनाए जाने थे उसमें, है ना। तो अभी ये समस्या आ रही थी कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट के सेंटर वो नहीं खुल पा रहे थे, तो आज पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। और जिसने अभी सेंटर चेंज नहीं किया तो आप कर लीजिए। और देखिए, आपका जैसे सेंटर आपके मुजफ्फरनगर और आपके सहारनपुर टोटल डिस्ट्रिक्ट खुल चुके हैं, तो अगर कोई कहीं से भी है, अगर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है चॉइस किया पहले, तो वो चॉइस यानी कि आप चेंज मत करना। और जैसे आपने सहारनपुर या मुजफ्फरनगर के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरठ चॉइस किया होगा उन्होंने, तो वो आज चेंज कर देना। ठीक है, अगर आपके पास कैफे की सुविधा नहीं है तो अभी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रहा हूँ उसमें उनको ग्रुप एडमिन बना दूंगा। और वे जो है लखीमपुर खीरी से है, शायद जो वहां से हो गए, जानते भी हो गए उनको, है ना। 2019 में भी जो काफी सारे जो फॉर्म में समस्या थी उनसे मैंने सोल्व कराई थी, और तो काफी उनसे जो है संपर्क बना हुआ था। अभी मुझे उन्होंने कॉल करके बताया और 10 सेकंड की वीडियो भी भेजी उन्होंने कि ये जो समस्या थी सोल्व हो चुकी है। तो ठीक है, और अपनी तैयारी जो है लगातार करते रहिए इसमें। और देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें कोई भी किसी को गलत मैसेज मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि ये ग्रुप मैं केवल केवल आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके पास कुछ के पास कैफे की सुविधा नहीं होगी, ये कोई बाहर नहीं जा सकता या किसी को नहीं पता चल पाएगा, है ना। तो आप उनसे संपर्क करना, कॉल कर लेना, मात्र इसमें 2 या 3 मिनट लगेगी तो आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। सभी करा लेना, उसमें फायदा है, क्योंकि जैसे मुजफ्फरनगर से है तो यहाँ से मेरठ कितना होगा, 70 किलोमीटर है, तो वहां आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है पेपर दे सकते हैं। और देखिए, आप किसी को भी गलत मैसेज मत करना, किसी को भी पर्सनल, ठीक है, ग्रुप में भी फालतू का जो चैट होगा वो मत करना, क्योंकि 1 सेकंड लगता है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो अच्छे से जिसकी जो समस्या होगी आपस में डिस्कस कर लेना, ठीक है। और कॉल कॉल पे ही आपकी जो है ये सेंटर चेंज हो जाएगा, या आपके पास कोई कैफे होगा वहां जाके आप उसको चेंज करा लेना। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कर दीजिए, और इसमें 10 सेकंड का वीडियो है वो आप देख लेना बाद में उसमें। और जो खासकर देखिए, बिहार से है या एमपी से है या राजस्थान से, और बीएड का जो यूपी बीएड इंट्रेंस देने वाले हैं, तो वो ऐसा करिए, कॉल कॉल पे आपका 2 मिनट लगेगी, तो आप वहां से उनसे सेंटर चेंज करा लीजिए आप। और देखिए, अपना रेगुलर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि एग्जाम जल्दी होने वाला नहीं है और आपको समय मिला है काफी, तो तैयारी करते रहिए। और मैंने लगभग कल जो क्लास हुई थी उसमें 1 घंटे का मैंने वो करंट अफेयर का वीडियो था, तो उसमें मुश्किल से 10 से 15 लाइव थे। अब बताइए, आप बार बार बोलते हो कि क्लास करवा दीजिए, क्लास करवा दीजिए, और उसको कितने स्टूडेंट ने देखा है, मात्र 1500 से 2000 के आसपास। तो देखिए, आप फिर बोलते हो, कमेंट करते हो कि क्लास करवा दीजिए। एक मैंने चैनल देखा था स्टडी गुरुजी करके, उनके लगभग 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार वे लाइव करते हैं, लेकिन देखते कितने हैं उसको, मुश्किल से 2 से 2500 या 3000 देखते हैं। तो आज जो मेहनत कर रहे हैं तो देखिए उनको, और वो आपके हेल्प के लिए कर रहे हैं, और रेगुलर आपके लिए जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, क्लास दे रहे हैं। तो अब वहां से भी पढ़ते रहिए, जहां से भी आपको हेल्प मिले वहां से पढ़ते रहिए, और अपना जो बुक्स है ना उसको पहले तैयार करिए। बहुत अच्छा आप एग्जाम में करोगे, और एग्जाम में अच्छा करना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 5 या 10 दिन पढ़े और आपका फिर सीट निकल गया, ऐसे होगा नहीं। ठीक है, तो बाय बाय। और जो भी आपकी कोई समस्या होगी वो आप ग्रुप में डिस्कस कर लेना, कोई आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है।